लालित्य ललित जी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संपादक हैं। उन्हें वर्ष 1991-1992 में लगातार 2 वर्ष श्रेष्ठ कवि का सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार से प्राप्त हुआ था। आइए होते हैं आज उनसे रूबरू। नमस्कार ललित जी। नमस्कार। आपका प्रतिलिपि में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, आपने बहुत सारे इंटरव्यू लिखे हैं लिए हैं और उस पर पुस्तक भी लिखी है। तो हमें आप ये बताइए कि इस इंटरव्यू का आपके जीवन पर क्या असर पड़ा, कुछ लिखने पे या कुछ थिंकिंग में कई इंटरव्यूज के? देखिए विनय जी, बहुत अच्छी बात आपने की कि इंटरव्यूज का मेरे जीवन पर क्या असर पड़ा। मुझे लगता है कि जितने भी लेखक हुए और बड़े लेखक हुए, बड़े लेखक वो किस कारण से बड़े हम उनको कहते हैं। अब मान लीजिए कि 1993 दिसंबर की बात है, जब 4th विश्व हिंदी सम्मेलन जो मॉरिशस में हुआ और पूरे जहाज में 250 लोग थे हिंदी। अच्छा, जी, जी। और मैं एकमात्र 22 या 23 वर्ष मेरी उम्र थी उस समय, और मेरे साथ वाली सीट पे प्रोफेसर विजेंद्र स्नातक बैठे थे और उसमें संस्था साहित्य मंडल के जो लेखक थे यशपाल जैन पुराने लेखक, वो सब थे, विद्यानिवास मिश्र थे। मुझे लगा कि जो लेखक आसानी से दिल्ली जैसे महानगर में उपलब्ध नहीं होते और वहाँ उपलब्ध होते हैं। और आप देखिए कि आज आप मेरा इंटरव्यू करने आई है, उस समय मैंने जी न्यूज के लिए इंटरव्यू किया था कि विद्यानिवास मिश्र से बातचीत हुई और स्नातक जी से बात हुई। तो मुझे लगता है कि इन जो लेखक हैं, चाहे विद्यानिवास जी हो जिन्होंने संस्कृति में बहुत काम किया या इन्होंने काम किया स्नातक जी ने, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात तो रही कि जिसका हमारे जीवन पर भी असर पड़ा। और यही बात है, मैं आपको बताऊं कि मैंने राणा प्रताप बाग में जब उनका पुस्तकालय देखा तो लगभग 10,000 से ज्यादा किताबें थी। तो मुझे भी लगा कि मेरे पास इतनी किताबें होनी चाहिए। तो इतनी किताबें तो नहीं है, लेकिन उसका 10% किताबें तो मेरे पास है। और अब आप ये सोचेंगे कि आप कब पढ़ लेते हो, कब देख लेते हो, है ना? तो चूंकि मैं एक सिपाही भी हूँ नेशनल ट्रस्ट में और देश विदेश में भी जाता हूँ और मौके मुझे मिलते हैं, तो मैंने देखा है कि समय तो चुराना पड़ता है। अच्छा जी। जैसे गृहिणी जो है वो आटे से परांठा भी बना लेती है और पूड़ी भी बना लेती है, और पूड़ी के साथ अगर आलू की सब्जी है तो उसका कमाल का संगम हो जाता है। तो इसलिए जो लेखक है उसके पास शब्द है। मैं मानता हूँ कि हमारे पास बेशक फरारी ना हो, जैक्वार ना हो, लेकिन बैंक बैलेंस भी ना हो, लेकिन शब्द हो तो और क्या चाहिए, कुछ नहीं। शब्द है, मुझे मालूम है कि मेरे पास शब्द है और शब्द असर करते हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया की बात है और सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसा परिवार दिया है जो शब्द से जुड़ा हुआ है, आज हम कोई अपनी बात कहते हैं तो तुरंत वो विश्व के पूरे धरातल पे वो बात जाती है और तुरंत एक मैसेज कन्वे होता है। तो हमें ये लगता है कि ये एक बड़ी बात है और हम अपने मिशन में हम कामयाब हो रहे हैं। जी ललित जी, आपके जीवन में ऐसी क्या प्रेरणा रही कि आप लिखने के लिए प्रवृत्त हुए और आपकी पहली रचना क्या थी? देखिए विनय जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया कि मेरी पहली रचना मैंने कब लिखी और मेरे जीवन पर किसका असर पड़ा। अब देखिए कि मैं जब छोटा था तो RW की मीटिंग होती थी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की, तो मेरे मन में हमेशा था कि मैं भी मंच पर जाऊं। मैं मंच पर गया, पहली बार जब मैं मंच पर गया तो मेरे पैर थोड़े से लड़खड़ाए, क्या बोलूंगा, लेकिन मुझे भीतर से आवाज आई, अरे तुझे बोलना है भाई, तुझे सब सुनेंगे। तो मैंने पहली बार अपनी कविता सुनाई और सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा। और सबसे पहले तो शुरू में मैं हास्य कवि जो है सुरेंद्र शर्मा की रचना सुनाता था, तो लोगों को लगता था कि जब आप सुरेंद्र शर्मा की कविता का वाचन कर सकते हो तो आप अपनी रचना क्यों नहीं लिख सकते। जब मैंने अपनी रचना लिखी कि मंडल को अमंगल का रिपोर्ट तूने बनाई है, अनेक छात्रों ने ना जाने कितनी रातें वोट क्लब पर बिताई है, ना ही डरे हैं ना ही डरेंगे, अधिकार पर मरी मिटेंगे, ओ निर्दयी तूने क्या कर डाला, पासवान शरद ने बुना ये जाला, जाला बुनकर भी बाज ना आए, इस तरह की कुछ चीजें थी जो अभी भी कुछ जहन में है, स्मृति में। और जब पहली बार रचना छपी दैनिक वीर अर्जुन में तो मैं 10-12 कॉपियां लेके अपने पूरे मोहल्ले में उसको दे के आया कि मैंने लिखी है। एक वो जमाना था जब सुरेंद्र शर्मा की हम लोग कविताओं का वाचन करते थे, और एक जमाना ये भी है कि जब हमने अपनी कविता लिखनी शुरू कर दी, और एक दिन वो भी जमाना आया कि एक ही मंच पर सुरेंद्र शर्मा भी थे और मैं भी था, और पहली बार जब मानदेय राशि का लिफाफा मिला तो मैं सच बताऊं मीना जी, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैंने क्या बताऊं। लेकिन जब रेड लाइट पे मेरी गाड़ी पहुंची तो पहले गाड़ी रोकी और पहले लिफाफा खोल के देखा कि 2,500 रुपए थे,
अब ये उस जमाने की बात है जब हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में थे, स्टूडेंट थे, और 2,500 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। और अब तो शब्द के सरोकार है। मुझे ये लगता है कि एक बार किसी बड़े मंच के कवि ने कहा था कि मंच का कवि जब तक जीवित है जब तक उसका गला है। जी। तो पैसा तो जरूर है लेकिन गला जब तक है वो जब तक मंच का कवि जिएगा। और हम लोग जिस विधा में लिखते हैं, गद्य में लिखे या पद्य में लिखे, लेकिन हम बेशक ज्यादा पैसा ना मिलते हो, लेकिन आज हमें संतोष ये है कि कई विश्वविद्यालयों में कविताओं पे शोध हो रहे हैं। जी जी। और मुझे लोग ये कहते हैं कि आप लिखते कब हो। मैं उनको कहता हूँ कि मैं लिखता कब नहीं हूँ। जिस प्रकार से हेल्पलाइन आपकी 24 घंटे रहती है, जिस प्रकार से ओला उबर या कोई भी एप्लीकेशन रहती है, उसी तरह से मेरा दिमाग हमेशा ऑन रहता है। जी जी। और मैं लिखता हूँ, मुझे लेखन से बहुत प्रेम है। कई बार इसकी वजह से घर में झगड़े भी हो जाते हैं कि हमारी बात सुन लो भाई। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं घर में बैठा हूँ, कोई नशा तो नहीं कर रहा, और मैं लिख रहा हूँ। आपने कुछ मंगाना तो मैं ला देता हूँ। ला देता हूँ जी। तो घर में हर लेखक की भूमिका एक नथु की रहती है, ऑफिस में बेशक एक अधिकारी की है, लेकिन हम शब्द प्रेरी हैं और शब्द से सरोकार है, इसलिए हमेशा ऑन रहते हैं, जीवंत रहते हैं। और मुझे लगता है कि लेखन में सबसे बड़ी ताजगी है कि वो जीवंतता होनी चाहिए। थका हुआ लेखन किसी का भला नहीं कर सकता। लेखन ऐसा हो कि जो जिससे एक एक मार्ग मिले, है ना, उसको उसको चेतना उसकी सक्रिय हो। जैसे कि बड़े लेखक हमारे 93 इयर्स के डॉक्टर रामदर्श मिश्र, जिनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला दो एक वर्ष पहले, उनकी बहुत पुरानी गजल है कि जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। और विनय जी एक बात बताऊं कि मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी उनकी एक पुस्तक आई जिसमें धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर, इन सबसे उनके संस्मरण है, और उस संस्मरण वाली पुस्तक में मेरा भी एक संस्मरण है। वाह। तो मेरे लिए तो ये पद्मश्री है, ये भारत रत्न है, और ये जितने पुरस्कार है वो सबसे बड़ा पुरस्कार वही है। और मुझे नहीं लगता है कि आपको, कई लोगों को लगता है कि आपकी कविताओं पे शोध हो रहे हैं, आपको फलाना पुरस्कार नहीं मिला। मैं कहता हूँ कि हम किसी कतार में नहीं है, हम तिगड़े भी नहीं है, हमें लिखना है, लिखना पसंद है। और शायद यही वजह है कि आपको बताऊं कि मैं जब रायपुर जाता हूँ तो वहाँ FM वाले भी मुझे पकड़ लेते हैं, आकाशवाणी वाले भी पकड़ लेते हैं, और दूरदर्शन वाले भी। तो पिछली बार क्या हुआ कि जब FM रंगीला ने मुझे पकड़ा तो आकाशवाणी से वर्षा जी का फोन आया कि बोले कि मैंने अपनी बॉस से बात की है कि ललित शहर में है। तो मैंने कहा मैंने कोई अपराध किया है? तो बोले नहीं, वो कह रहे कि सर से ना 2 दिन बाद इंटरव्यू कर सकते हैं। इस बीच उन्होंने गूगल पे सर्च कर लिया होगा कि कौन है, क्या नहीं है, तो क्या लिखता पड़ता है। फिर उनका फोन है, क्या उनसे पूछो कि आज ही बात हो सकती है? तो मैंने आज ही बात की। फिर मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, आपके स्टूडियो भी आ जाऊंगा, लेकिन मैंने सुबह से 10 बजे से इंटरव्यू दे रहा हूँ और तीसरा इंटरव्यू आपके साथ होगा। मैंने कुछ खाया नहीं है तो मुझे खिलाना पड़ेगा जरूर कुछ। तो उन्होंने खिलाया पिलाया और 1 घंटे का इंटरव्यू लिया। बाद में वर्षा रावल का फोन आया, ललित जी 47 साल की या 37 साल की सेवा में उनको, मैडम को, उनकी को A+ मिला है मेरे इंटरव्यू के कारण। अच्छा। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसे क्या क्या कह दिया, जो आपने पूछा मैंने बता दिया। इसलिए जीवन में सहज रहना चाहिए। और शायद मेरी रचनाओं में कोई जटिल, कठिन और लालित्यपूर्ण, पांडित्यपूर्ण शब्द नहीं मिलेगा कि जिससे लगे कि आपको समझना बनारस के कोई पोथी वाले, चोटी वाले बाबा जी बैठे हैं या वो बोल रहे हैं। सरल रचना होनी चाहिए। और सरल वो रचना जो आप आसानी से ग्रहण कर सके, एक मैसेज कन्वे हो सके। मुझे लगता है कि वो रचना मैसेज कन्वे हो रहा है, और अगर कन्वे हो, संप्रेषित हो रही है बात, तो उसका अपना आनंद है। ललित जी, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि रचनाओं को सरल और ग्राह्य होना चाहिए। तो आपकी रचनाओं में मैंने एक खास बात देखी है कि आप जितनी आसानी से कविताएं लिखते हैं उतनी ही बेचैनी आपके व्यंग्यों में भी होती है। कैसे ये दो, मतलब विपरीत भाव कैसे आप ले आते हैं? ये देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे तो ये लगता है कि जो भूमिका केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट के पास एनासिन भी मिलती है, सेरोटोनिन भी मिलती है, मल्लम भी मिलती है, तो वही स्थिति लेखक की भी है। मैं वो लेखक हूँ कि हम लोग ऑर्डर पे काम करते हैं, है ना। अपन कविता तो हमेशा दिमाग में रहती है, और जो व्यंग की जो बात है उसमें विसंगतियां जो है आपको कचौटती है। वो अंदर से कहती है कि मुझे लिखो, मुझे लिखो, मुझे लिखो। विसंगतियां आपको आमंत्रित करती है,
कि आपको इस विषय पर लिखना है, विवश करती हैं। मैं आपसे बेशक बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो पात्र है विलायती राम पांडे जी, जैसे नरेंद्र कोहली जी का पात्र है राम लुभाया जी, जी, और राधेलाल पात्र है प्रेम जन्मे जी का, तो ऐसा ही मेरा नाम पात्र जो है विलायती राम पांडे। आजकल तो हालत ये हो गई है कि मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं विलायती राम पांडे। तो हमारे एक मित्र है राकेश पांडे, वो कहते हैं मैं तो असली राकेश पांडे हूँ और अब तो नकली पांडे जो है यानी विलायती राम पांडे हावी है असली राकेश पांडे में। तो मुझे लगता है कि विसंगतियां जो है वो आपको बेचैन करती है, आपको लिखने को उत्सुक करती है, और वो खुद कहती है कि आपको इस विषय पर लिखना है। एक एक सेवा में रहते हुए आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि सीसीएस कंडक्ट टूल आप पे लग सकता जी, है जी, जी। लेकिन बैंक के माध्यम से आपका जो पात्र है विलायती राम पांडे हो या राम लुभाया हो या राधेलाल हो, वो समाज पर की जो विसंगतियां उस पर प्रहार कर सकता है। एक ऐसा पात्र हमने चुना जो तमाम विसंगतियां, चाहे सड़क नहीं बनी है, पानी की कोई समस्या है या लाइट की समस्या है या स्कूल में एडमिशन नहीं हो रही या कॉलेज के टीचर्स को वेतन नहीं मिल रहा, तो ये सब जितनी विसंगतियां हैं वो सब लिखने को प्रवृत्त करती है। और शायद यही वजह है कि मैं कविताएं भी उतनी रफ्तार से लिखता हूँ। वैसे गाड़ी चलाता हूँ, पहले बहुत तेज चलाता था लेकिन अब मुझे मालूम है कि 7:30 तक आपको घर पहुंचना है, घर आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है और मिशन अभी बाकी है और लक्ष्य भी दूर है। अच्छा जी। और पुरस्कार के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं लिखता, जी, जी, जी। जब मिलेगा मिल जाएगा, लेकिन हाथ में हाथ की रेखाएं जरूर कुछ कहती है कि आप अगर कर्मठ हैं, आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। जी जी, है ना। मैं कहता हूँ कि लेखक वो है कि जो अपने आटे का कनस्तर वो खाली नहीं रखता, तो हमारा कनस्तर भरा रहे क्योंकि जो ऊष्मा है, जो सुषमा है, जो रचनात्मक एनर्जी है हमको मिलती है, वातावरण से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, साहित्य से मिलती है, समकालीन लेखन से मिलती है। और मुझे तो ये लगता है कि जब कई सारे लोगों की रचनाएं मुझे पढ़ने को मिलती है तो मुझे लगता है कि ये क्या लिखा जा रहा है। अभी पिछले दिनों एक प्रकाशक ने बोला कि ललित जी आप तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की तरह बहुत अच्छी प्रेम कविताएं लिखते हो। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं तो 40 क्रॉस कर गया लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं अच्छा लिखता हूँ। तो अगर एक फिल्म डायरेक्टर जो है कोई शूट करे किसी नई फिल्म को लेकर या कोई आइडियाज, तो आइडियाज तो हमेशा मन में रहते हैं। तो मैंने अभी एक कविता संग्रह तैयार किया उनके लिए सितम प्यार के। अच्छा। तो उसमें ललित ललित का एक अलग फ्लेवर नजर आएगा। अच्छा। जिस तरह नींबू पानी हम लोग पीते हैं जी, जी। और लेकिन आजकल जो नई पीढ़ी है वो आजकल मोहितो इस्तेमाल करने लगी है कि वो स्वाद का जो कॉम्बिनेशन है ट्विस्ट यस, आपने बड़ा अच्छा शब्द दिया ट्विस्ट, तो वो उसमें ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। और हमेशा कुछ ना कुछ नयापन लेखन में बना रहे, ये मेरी कोशिश है। कविताओं की बात चल निकली है तो ललित जी हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई एक अच्छी सी कविता जो आपको पसंद हो हमें सुनाइए। देखिए वो लेखक को तो सारी रचनाएं पसंद है जी, और अब कौन सी रचना ज्यादा अच्छी है कौन सी कम अच्छी है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाथ में उंगली जिस पन्ने पर जाकर रुकी वही मैं सुना देता हूँ। जी जी। समंदर, मेरे लिए तुम किसी समंदर से कम नहीं, उतरना चाहता हूँ तुम में कहीं गहरे तक, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरे लिए तुम किसी समंदर से कम नहीं, उतरना चाहता हूँ तुम में कहीं गहरे तक, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वैसे भी गोताखोरों को गहरे उतर तक कुछ ना कुछ खोजने की आदत होती है। क्या बात है। वैसे भी गोताखोरों को गहरे उतर तक कुछ ना कुछ खोजने की आदत होती है, हम भी देखें कि जनाब क्या खोज लाते हैं। सुनो, मैंने बहुत तफ्तीश की समंदर में, पाया कि इसकी गहराई में केवल और केवल प्यार है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या बात है। ना मछलियां मिली ना ही कोई और। देखा ना, मैंने पहले ही कहा था जाओ देखो समंदर के तलहटी वहां क्या मिलेगा। जी। मेरे प्यारे गोताखोर कितनी डुबकी लगा लो मिलेगा कुछ नहीं। समंदर है। समंदर है हम, कोई झील नहीं समझे। समंदर से हाथ मिलाया खुद समंदर हो गया। समंदर से हाथ मिलाया खुद समंदर हो गया। अब मैं जल में हूँ, प्यार मुझ में उतर आया, समंदर भी खुश और मैं भी। आत्मसमर्पण का अपना ही आनंद है। आज जाना कि जिसे प्यार करो उसके संपूर्ण हो जाओ, देखना फिर तुम भी प्यार शब्द से उतना ही प्यार करने लग जाओगे जितना एक अनुसंधान करता। वाह क्या बात है सर, बहुत खूब। जितना एक अनुसंधान करता समंदर आहिस्ता से अपने संग मुझे
कितनी तलहटियों में ले गया, अलग तरह की दुनिया से आज मैं परिचित हुआ। कहते हैं ना, जिसको भी जानो उसके सब गुण अवगुण को भी वैसे ही चाहो जैसे हवा आपके गालों को होले से छूती है, जैसे प्रकृति आपके मन को स्पंदित करती है, वैसे एक दूसरे को समझो। आज मैं तुम्हें समझ पाया समूचा, रियली आई लव यू सो डीप। क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत कविता सुनाई आपने ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप एक साहित्यकार होने के साथ साथ नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संपादक भी हैं, तो हमारे दर्शकों को यह बताइए कि उसमें एनबीटी में बुक अपनी पुस्तक छपवाने के लिए, प्रकाशित करवाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, ये मेरे लेखन से एक अलग सवाल है जी। मतलब न्यास का मैं एक सिपाही हूँ, वहां से मेरे परिवार को उष्मा मिलती है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। हम लोग 30 से अधिक भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं, बहुत बड़ा इदारा है, पूरे देश में और विदेशों में किताब को लेके हम लोग एक्टिव हैं। यूं कहिए कि हम दूसरों को भी एक्टिवेट मोड पे रखते हैं। जो आपने बात पूछी कि इसका छपने का की प्रक्रिया क्या है, हम लोग कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो अकेडमीज है उसे संपर्क करते हैं, फिर हमारे जो एडवाइजरी पैनल्स हैं वो उनको सजेस्ट करते हैं कि किस लेखक की रचना लेनी चाहिए, किसकी नहीं लेनी चाहिए। अभी हाल ही में हमारे जो न्यास के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बलदेव भाई शर्मा, उन्होंने दो पुस्तक मालों का श्री गणेश किया, शुभारंभ किया है, जिसमें महिला लेखन प्रोत्साहन योजना, जिसमें 40 वर्ष की वे महिलाएं जो अन्यत्र प्रकाशित नहीं हुई, पहली बार न्यास उनको प्रकाशित कर रहे हैं, और ऐसी नवलेखन पुस्तक माला है, तो वो 40 वर्ष के पुरुष रचनाकारों के लिए है। और हम कविताओं का प्रकाशन नहीं करते, हम बड़ों के लिए कविता नहीं छापते, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कविताएं जरूर छापी हैं, जिसमें प्रकाश मनु है, निरंकार देव सेवक है, प्रत्युष गुलेरी है, क्योंकि छोटे बच्चों को कविताएं एक जहां संस्कार देती है वहां उनमें आत्मबल भी प्रशस्त होता है, जिसमें देवी क्रमेश है उनकी भी कविताएं छापी है, लेकिन बड़ों की कविताओं से हम परहेज करते हैं जी। उसके लिए निजी प्रकाशक हैं और कहानियां पढ़ने में लोगों की रुचि रहती है, यात्रा वृत्तांत में लोगों की रुचि है, निबंधों में और आत्मकथा में भी लोगों की रुचि है। तो हमें लगता है कि जो पाठक साहित्य की जिस विधा को पढ़ना चाहते हैं उसमें हम अधिक से अधिक किताबों का प्रकाशन करें, और सलाहकार समिति के जो सदस्य हैं उनसे भी नियमित हम विचार विमर्श करते हैं कि श्रेष्ठ साहित्य हम अपने पाठकों तक पहुंचा पाए। अब देखिए कि जहां सड़क नहीं है वहां भी न्यास की किताबें पहुंचाने के लिए न्यास के कर्मी प्रतिबद्ध हैं, और हम लोग मुनाफा नहीं कमाते, हम लोग लोगों का विश्वास कमाते हैं, और शायद यही वजह है कि नेशनल बुक ट्रस्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी है। पाठक लेखक जो है यदि न्यास से जुड़ना चाहता है तो अपनी खुशी से जुड़ना चाहता है, हमारी 300-400 पेज की किताब भी 150 या 200 रुपए में मिल जाती है, पेपर बैक में हम लोग छापते हैं, हार्ड बोर्ड की किताबें महंगी होती है, वो पुस्तकालय तक सिमट कर रह जाती है, तो शायद यही वजह है कि गांव गांव तक किताबें पहुंच रही है। और मैं तो आपको बताना चाहूंगा बड़ी खुशी से, मैंने न्यास के माध्यम से कई गांवों का सर्वे भी किया है, हम लोग बैठे हैं रात को कि उनके चौपाल में लालटेन लगी हुई है, और अगर लाइट भी आती है तो बैटरी से वो टीवी देखते हैं, स्वाभिमान 11:30 बजे सीरियल आता है वो भी देखते हैं, लेकिन वो रात्रि शालाओं में भी जाते हैं, किताब भी पढ़ते हैं। हिमाचल के एक सुदूर एक गांव में मुझे जाने का मौका मिला, और छोटे छोटे बच्चे मुझे मिले, किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो छोटे बच्चों की किताबें जो 5 रुपए की 10 रुपए की है, तो मैंने 50 या 100 बच्चे इकट्ठे किए, एक लिस्ट अपने व्यक्ति को दी, मैंने इन सबको किताबें दो, बेशक हमारी जेब से भी अगर कुछ लगते हैं पैसे तो कोई नहीं, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं जिनमें उमंग है, महानगरों में तो पठनीयता वाला शब्द मजाक बन के रह गया, गांव में देहात में बच्चे हैं पाठक हैं और लेखक हैं पढ़ रहे हैं। आज आप देखेंगे, आपको मालूम भी है कि आजकल जितनी प्रतिभाएं निकल रही हैं वो सब रूरल ग्रामीण एरियो से निकल रही हैं, जो शहरी पाठक महानगरीय जो जीवन है उसकी संस्कृति पिज्जा बर्गर केएफसी मैकडोनल्ड तक सिमट के रह गई है, उनको नए नए गैजेट्स चाहिए, है ना, तो गैजेट हो लेकिन संवेदनशील हो ये कम बड़ी बात नहीं, लेकिन बहुत कम ऐसे आपको
बच्चे मिलेंगे। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जितने भारतीय लेखक हैं, इंडियन राइटर्स हैं, उनका अधिकांश बच्चे विदेशों में हैं। मैं कहता हूं कि आपके बच्चे जो, चाहे इटली में हो, रोम में हो, लंदन में हो, जब वहां की सरकारें, वहां की हुकूमतें आपको वापस भेज देंगी तो क्या होगा? फिर आप वो हबीबगंज में नजर आएंगे, फिर आप वो कुल्लू में नजर आएंगे या बीकानेर में नजर आएंगे, है ना? तो अपने देश का, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, अपने देश की अपनी रंगत है, अपनी आस्था है, और हमें अपने देश से बड़ा लगाव है। कोई अगर मुझे बोले कि आप इतने इतने खोखा ले लीजिए, आप विदेश में सेट हो जाइए, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। क्योंकि जो दिल्ली का स्वाद है, बेशक ट्रैफिक है, ट्रैफिक का भी अपना आनंद है। अब मुझे लखनऊ इसलिए अच्छा लगता है कि मैं वो कुल्फी वाला जो चौक है, मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा तुरंत में, लेकिन वो क्या मटके वाली कुल्फी बनाता है। बीकानेर में जो दही बल्ले, आप पूरी दुनिया में दही बल्ले ऐसे नहीं मिलेंगे जहाँ बीकानेर में मिलते हैं। दही बल्ले में वो बड़ा मावा वाला दही बल्ले मिलते हैं, तो उसका अपना आनंद है। मुझे तो कई बार लोग बोलते हैं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है खाने पीने की किताबें आप तैयार कीजिए, है ना, विनोद दुआ जैसे स्टाइल में जो है। मैंने कहा विनोद दुआ जी का अपना स्टाइल है, मेरा अपना है, ना, हर लेखक की अपनी बात होती है। ललित जी, आपने अभी बच्चों की बात की, बच्चों को पुस्तकें देने की बात की, तो आपने नौ साक्षरों के लिए भी काफी कुछ लिखा है। अब आप कैसे लिख पाए अपनी व्यंग की धार और कविताओं के लालित्य के साथ? वो नौ साक्षरों के लिए लिखना बहुत ही कठिन होता है। देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने बात की। नौ साक्षरों के लिए मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि मेरी बॉस जो थी वो डॉक्टर वर्षा दास थी, नंदिता दास की मदर जो फिल्म एक्ट्रेस, तो उनके साथ मैंने काम किया और 16 साल मैंने नौ साक्षर लेखन किया है वो सोचा, और मैं 20 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन किया। उस आयोजन में मैं शामिल रहा और मुझे मालूम है कि ग्रास रूट लेवल पे जो जमीन से जुड़े लेखक हैं, जो विषय हैं, उन विषयों पर वो किस तरह संजीदगी से काम करते हैं। सरल लिखना कोई आसान काम नहीं है। डॉक्टर बलदेव साहब, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में एक सुदूर इलाका है, उन्होंने बोला कि सरल लिखना जितना कठिन है, कठिन लिखना उतना ही सरल है। मैं हमेशा हर कार्यशाला में यही बात कहता हूँ कि बलदेव साहब ने बड़ी अच्छी बात की। आप ये सोचो कि हम सोलन में हमने एक कार्यशाला की, तो एक एक राइटर ने ये लिखा कि ये दृश्य, तो जब एक ग्रामीण महिला ने पढ़ा है, उसको पढ़ने में बड़ी असुविधा हो रही थी, दृश्य उसने मुंह भी बनाया। मैंने क्या ऐसा कर सकते हैं कि नजारा, हाँ सर नजारा। तो ऐसे शब्द जो सरल हो और जो आसानी से ग्रहण कर सके, जो हमारे मन में उतर सके, तो हमने उस लेखन को हम लोग नवसाक्षर लेखन कहते हैं, और कि जो सीधे सीधे बात में अपनी बात स्पष्ट हो जाए। और मुझे लगता है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो अभी भी अनभिज्ञ हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि कानून की कौन सी धारा होती है, कि किसी भी थाने में आपको कोई महिला को आप रोक नहीं सकते जब तक महिला पुलिस ना हो। तो मुझे लगता है कि जो महिलाओं के अधिकार, हाँ, महिलाओं का अधिकार है, महिला सशक्तिकरण के विषय हैं, या महिलाओं के ऐसे विषय हैं जिनको अक्सर लोग दूसरे बड़े मुंह बनाते हैं कि बड़े कैसे विषय, विषयों पर किताबें लिखी जा रही हैं, लेकिन वॉलंटरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया उस पर बहुत काम कर रहा है। और मैं बताऊँ, एक कवित्री है दामिनी यादव, ताल ठोक के जिनका कविता संग्रह आया, उसकी एक महावरी कविता जो है वो बहुत पॉपुलर है, जो महिलाओं के लिए लिखी गई है। और मुझे लगता है कि अब विषय वैसे नहीं रह गए कि उस पर वो महिलाएं लिखेगी या पुरुष नहीं लिखेगा, ये सांझे विषय हैं। जब हम ये कहते हैं कि संसद में महिलाओं को और पुरुषों को पूरा हक मिलता है, तो लेखन में भी हम सब लोग बराबर हैं। और लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें उस लेखन को नमस्कार करना चाहिए जिससे किसी का भला होता हो। ऐसा ना हो कि हम किसी का अहित करें, लेकिन फेसबुक ने जहां हमको जोड़ने की कोशिश की है, वहां कई बार लोगों में टूटन भी आया है। फेसबुक पे हम लोग इस तरह का अनर्गल साहित्य प्रसारित ना करें जिससे एक मैसेज ठीक ना जाए, क्योंकि अगर आपसे अगर 5,000 लोग जुड़े हैं, तो केवल 5,000 लोग ही नहीं जुड़े, उन 5,000 लोगों के परिवार भी जुड़े हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो एक मैसेज आना चाहिए कि वीना जी या लीलाधर मंडलोई अगर एक चित्र बनाते हैं, तो चित्र कितना दूर तक असर करते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मंडलोई जी जो है कभी भी आकाशवाणी में भी काम किया, लेकिन सुबह उठते ही वो कैमरा लेके निकल जाते हैं, ये चित्र बनाते हैं। अरे वाह जी। तो कई लोगों में बड़ी अज्ञात ज्ञात प्रतिभा है जो कई बार पता नहीं चलती। मुझे अगर कोई पूछे कि आप लेखन के अलावा क्या करते हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं आलू बहुत अच्छे छील लेता हूँ, मैं गाजर अच्छी छील लेता हूँ, हलवा बनाने में मदद कर सकता हूँ। तो
ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखो कि गाजर कई जो हमारी नए जमाने की हमारी महिलाएं हैं जो कॉन्वेंट में पढ़ी हुई है स्टीफन्स में, तो वो महिलाएं जो है वो आजकल मशीनें आ गई है जिसमें वो गाजर मशीन से कद्दूकस कर लिया करते हैं, लेकिन हम तो हाथ से लेके अभी भी वो कद्दूकस करते हैं, हलवा बना उसका अपना आनंद। और एक बार घर में नमक पारे भी हमने बनाए तो उसको बड़ी मेहनत लगती है। जी जी। मुझे लगता है कि हम कभी कभार ही बना रहे, लेकिन वो जो दुकानदार है, वो जो लेबर है, जो कारीगर है, वो कितनी मेहनत करता होगा। तो यही बात है कि मेहनत वो करता है, किसान खेतों में अन्न उगाता है और फिर वो महानगर तक वो पहुंचता है, लेकिन उसको अभी भी जो सही दाम है उसको नहीं मिल पाता। जो बीच के आड़ती हैं वो अपना मुनाफा कमा लेते हैं, किसान वहीं का वहीं है, लेकिन उसका पैशन है कि उसको मूली उगानी है तो मूली उगाएगा। मेरा पैशन है कि मुझे ऑफिस से घर आना है, सही समय पर आना, नहीं आऊंगा तो फोन खटक जाएंगे। सर, मुझे आपकी संवेदना का स्तर इतना गहरा है, मुझे लगता है इसी कारण आपने 9 साक्षरों के लिए जो लेखन किया वो कर सके, क्योंकि जब तक संवेदना का स्तर गहरा ना होगा तब तक 9 साक्षरों के लिए लिखना बहुत मुश्किल है। उन तक उन बात पहुंचनी चाहिए जो बड़ी बात है। मतलब मेरी बात को और आपने संप्रेषित कर दिया, ये तहजीब और लखनऊ शहर की खास बात है कि शुक्रिया, जैसे महानगर में रहने वाले व्यक्ति को भी आपने संवेदनशील बना दिया। और आप ये सोचो कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़े लेखक हुए हैं, पंडित राम नारायण उपाध्याय, उन्होंने मुझे एक बार पत्र लिखा मेरी कविताओं पे कि ललित, दिल्ली जैसे कंक्रीट के महानगर में तुम इतने संवेदनशील हो, मन तुम्हें नतमस्तक हो गए मैं तुम्हारे प्रति, कृतज्ञ हूँ कि तुम कहाँ से विषय खोज रहे हो। मुझे लगता है कि मैं बेशक महानगर में रहता हूँ, मैं गाँव में नहीं गया, लेकिन मेरे जो फोर फादर्स है वो गाँव में रहे और मेरे पिताजी सरकारी सेवा में रहे, और कमाल की बात यह है कि मेरे दादाजी हलवाई थे। अच्छा। इसलिए मुझे मिठाई पसंद है। पसंद। और मेरी कविताओं में मेरे व्यंग में विलायती राम पांडे को मिठाई पसंद है। अच्छा। जैसे कि फिल्म आई थी, सलमान खान कहता है कि उसको बेस पसंद है, जी जी। मैं कहता हूँ मुझे मिठाई पसंद है। वाह। ललित जी, आप सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है और हमें खबर मिली है कि अभी आपके फेसबुक पर कविताओं के 1001 दिन पूरे हुए, तो आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। एक सोशल मीडिया के बारे में छोटा सा सवाल कि सोशल मीडिया में आजकल फेक न्यूज और इनका भी बड़ा जोर है, तो इससे संबंधित आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो विनय जी, मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगा कि आपके गुप्तचर इतने एक्टिव हैं कि उन्होंने दिल्ली जैसे एक साधारण से व्यक्ति की जानकारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठी हुई सक्रिय विनय जी को दे दी कि मुझे कविताएं लिखते हुए 1001 दिन हो गए। ये भी शायद सोशल मीडिया का ही कमाल है कि जिसने खबर आप तक पहुंचा दी। और सोशल मीडिया, फेसबुक ने एक परिवार दिया अपने ओरिजिनल परिवार के साथ, एक आवासीय दुनिया के ऐसे मित्र दिए कि जिसमें मैं बताऊं कि निवेदिता दिनकर भी है जो बंबई में आगरा में कहीं रहती है, दीपक सरीन जैसा एक अनुज दिया, नीलोत्पल मंडाल दिया, तो एक ऐसा परिवार दिया कि जिसे जुड़ के बड़ा आनंद आता है। तो पूरे देश को जोड़ा और विदेशों के भी हमारे मित्र जो है इस मीडिया से हमें जुड़े हुए, और कविताओं के जरिए तुरंत त्वरित तरीके से प्रतिक्रिया मिलती है। और मुझे लगता है कि एक वो आनंद है कि जो आनंद हमको तुरंत मिल जाता है, जैसे कि आपने चाय बनाई, मैं किसी से पूछूं भोपाल में कि यार आप चाय बड़ी अच्छी बनाते हो, मेरे से ऐसी चाय नहीं बनती, तो मैंने देखा कि वो इतना समय क्यों लगाता है चाय अच्छी बनाने में। वो कहता सर सिंपल सी बात यह है कि हमने चाय पत्ती को देर तक उबालते हैं, आप 2 बारी आपने उबाला और बनना बंद कर दिया। तो मैं भी सीख गया कि गुरु कभी भी चाय अच्छी पीनी हो तो उसको 2-4-5 बार उबालो तो चाय अच्छी बनेगी, यानी रचनाओं के साथ। पर मुझे मालूम नहीं, मैं लिखता हूँ और तुरंत मुझे लगता है कि बस हो गया। जी जी। और शायद यही वजह है कि मेरे साथ सामने अगर 3 स्टैंडर्स हो तो मैं 3 स्टैंडर को एक साथ डिक्टेशन दे देता हूँ। अच्छा। और मेरे बॉस हमेशा ये कहते थे कि यार ललित तुम कमाल हो, तुम बार बार एडिट भी नहीं करते हो, मैंने ये सब आपका आशीर्वाद है। जी जी। तो मुझे बड़ा आनंद आता है कि अगर साल में 12 महीने होते हैं तो मैं 12 प्रोग्राम्स कर सकता हूँ। और आप यकीन करेंगे कि 1000 से अधिक रचनाकारों को न्यास से भी जोड़ा मैंने, और खुद लिखने पढ़ने का शौक है। और शायद यही वजह है कि जब मैं ग्वालियर महिला कॉलेज में गया, महिला विद्यालय में गया,
सब लोग कह रहे हैं कि प्रेमचंद ने ये लिखा, जयशंकर प्रसाद ने ये लिखा, निराला जी ने ये कह दिया, तो मैंने कहा कब तक आप प्रेमचंद की आत्मा को तकलीफ दोगे, ये निराला जी को कष्ट दोगे? अब जब जो प्रेजेंट में लोग लिख रहे हैं, ममता काले ने क्या लिखा, चित्रा मुद्गल क्या कहती है, चंद्रकांता के लेखन में क्या बात है, गीताश्री क्या बोलती है, ये विवेक मिश्र क्या कहना चाहते हैं, या प्रज्ञा क्या सोचती है, तो हमें जो नए लेखक हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। जी, जी। तो मुझे लगता है कि एक संभावना प्रज्वलित हुई है और वो आयाम लेगी, साकार हो रहे हैं सपने सबके। तो मुझे लगता है कि समय के साथ हमें चलना चाहिए, और शायद यही यही वजह है। दूसरा, आपने एक सवाल मुझसे ये किया कि फेक न्यूज और सही न्यूज में क्या आजकल जो चल रहा है फेसबुक के माध्यम से, मुझे लगता है कि फेसबुक ने जहां लोगों को जोड़ा है वहां लोगों के मनों को अवसाद में भी डाला है। पिछले दिनों एक पद्मश्री व्यंगकार ने ये कह दिया कि फलाने व्यंगकार को तो मैंने मेले की तरह वर्षों ढोया है, और उस तथा कथित व्यंगकार ने अपने द्वारा प्रायोजित एक सम्मान भी शुरू कर दिया। तो बड़ी ऐसी हकारत, बड़ी बड़ी निम्न और ओछी हरकतें हैं। इस तरह का लेखन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे पे ही टीका टिप्पणी और कटाक्ष करते रहे, बाल्टी भर भर के डालते रहे, ये कोई होली का समय तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने लेखन तक ही सीमित रहना चाहिए और हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। टीका टिप्पणी वो लोग करते हैं जिनके पास समय रहता है, जिनके पास खाली समय है। हमें तो समय मिलता ही नहीं। समय की, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि समय की चोरी करनी चाहिए, और मैंने एक जगह कहीं लिखा भी है कि समय की चोरी करना जानता हूँ, एक दिन चुरा लूंगा आपको समय। अरे वाह। अच्छा ललित जी, चलते चलते एक सवाल और जी। आपकी कविताओं के कई भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि किन किन भाषाओं में आपकी रचनाएं गई। लगता है आप होमवर्क बड़ा गजब करके आए हैं। मुझे भी कभी कभी पता चलता है जी। अंग्रेजी में मेरी कविताओं का अनुवाद बीनू भटनागर ने किया, उससे पहले श्रीरंग ने किया जी। और वर्धा यूनिवर्सिटी से जो मैगजीन आती थी अंग्रेजी में आती थी, उसका नाम हिंदी था जी, जी। और जिसकी संपादक ममता कालिया थी, तो ममता कालिया जी ने मेरी 11 कविताओं उसमें छापी लगातार, और कई विश्वविद्यालय के अनुवादक उसमें लगे रहे। तो बीटीए ने भी कुछ कविताओं का अनुवाद करने की कोशिश की। तो भी हाल फिलहाल पुस्तक मेले में अंग्रेजी कविता का अनुवाद आ रहा है जी। एक सवाल और कि आपकी लेखन शक्ति बहुत क्या कहें तीव्र है, तो इस मेले में आपकी कितनी पुस्तकें आ रही हैं? इस मेले में तीन या चार, चार तो कविता संग्रह आएंगे, और एक मेरे विंग पर संचयन मेरा आ रहा है, और एक मेरा प्रेम जन्मेजी पर मेरे पसंदीदा व्यंगकार प्रेम जन्मेजी। 6 किताबें आ रही हैं आपकी। मैंने अभी काउंट नहीं किया, एक आध कोई और भी हो सकती है, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते, तो मुझे लगता है कि 7 तो होने चाहिए, 7 तो होने चाहिए। ज्ञात अज्ञात सभी दिशाओं को पढ़ना। और कमाल की बात यह है कि तेलुगु में अनुवाद हो गया, कन्नड़ में हो गया, मलयालम में हो गया। तो जब अनुवाद हो जाता है तो लोग मुझे भेज देते हैं, तो मैं कभी रख भी लेता हूँ। इसने कहा कि जब आपके इंटरव्यूज होते हैं तो आपको वो कॉपी करनी चाहिए, वो एक क्लिप फाइल होती है जी, जी। वो बनानी चाहिए। मैंने आज तक मैंने फाइल नहीं बनाई, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ चीजें रखी हैं, कुछ लेमिनेट किए हैं। तो मुझे लगता है कि हर लेखक मेरी तरह होगा, किताबों को सहेज के नहीं रखता होगा, घर में झाड़ भी खाता होगा, दफ्तर में भी झाड़ खाता होगा, और ट्रैफिक में भी भिड़ता होगा। तो अगर हम सब जगह नहीं भिड़ेंगे तो हमें विसंगतियां नहीं मिलेंगी, तो विसंगति हम अपने साथ लेके चलते हैं जी। और मैं तो आपको बताऊं कि अगर मुझे कहीं से कोई मानदेय का लिफाफा भी मिलता हो 1100-2100 रुपए का, तो मैं उसमें 1100 रुपए और मिला देता हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं मुझे 5100 मिले। अच्छा। तो ये रहती है, पत्नी ये कहती है क्या बात है, अगर देरी हो जाए, नहीं नहीं आपको जाना चाहिए। और मैंने एक असूल बनाया हुआ है कि मुझे जब भी कोई भी लिफाफे नगद मिलती है, नगद धनराशि मिलती है, मैं पत्नी को दे देता हूँ, भाई ये तुम्हारी है। अगर चेक मिला या निफ्ट वाले आरटीजीएस हो गया तो मैंने कहा मेरा है। लेकिन कभी भी घर के प्रति मैं नेगेटिव नहीं रहा। जब भी मुझे कहते हैं कि आपने ये करना है तो मैंने मुझे बताइए। मुझे लगता है कि हर उम्र में आके पेरेंट्स की जो भूमिका रहती है वो एटीएम की हो जाती है। पहले सपने हम अपने लिए लेते हैं, अब ये लेंगे वो लेंगे। मेरा बेटा छोटा है, वो कहता पापा जैक्वार लेना। मैंने नहीं यार, रोल्स रॉयल्स लेंगे। तो कहता अच्छा लिमोजिन लेना, तो मैंने ठीक है। फिर कहता है कि
लिमोसिन अच्छी है। मैंने कहा फिर मेरे मन में आता है यार एक सेकंड लिमोजिन ले लूंगा, किसी हिंदी लेखक के पास लिमोजिन नहीं है। अच्छा वो पार्किंग में खड़ी होगी, एनबीटी की पार्किंग में खड़ी होगी, लगेगा यार लिमोजिन वाला लेखक है आजकल। मीना जी दूसरी बात ये भी है, कभी आप आकाशवाणी या किसी ऐसी जगह जाते हैं तो आदमी देख लेता है कि बाहर तक छोड़ने आता है जो प्रोड्यूसर होता है, कैसे आए हैं, कैसे हम मेट्रो से आए तो अपना मुंह बना लेगा सड़ा सा। अच्छा मतलब दिखावे का जो है संस्कृति दिखावे की वो भी वो साहित्य में हावी हो रही है, साहित्य में हावी है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं गाड़ी है तो फिर वो ना अगली बार जो है ना आपको अगली बार के लिए भी बुक कर लेते, बुक कर लेते। बड़ी बड़ी अजीब स्थिति, अरे आपके यहाँ पहुंच गए क्या, इतना कम काफी है क्या? सही बात है। तो मुझे लगता है कि वो प्रेमचंद का वो फटा हुआ जूता और वो ऊंची धोती खत्म हो चुकी है आजकल तो। यह आपने जो प्रेमचंद वाली बात की, आजकल तो अन्नपूर्ण गानों की ऐसी तैसी कर दी है, मैं ऐसी तैसी शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, लिफ्ट तेरी बंद है जी जी है? तो बड़ा बड़ा अजीब लगता है कि भाई हम परोस कर रहे हैं अपनी भावी पीढ़ी को, बच्चे भी जो है सही हिंदी से अपरिचित है। आप देखिए कि हम बोलते हैं 49 जी, तो छोटे बच्चे हैं जो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, बोलते पापा 49 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 49 तब उनकी समझ में आती है। तो बच्चों को ये नहीं मालूम कि ये रामायण किसने लिखी, बोले महाभारत किसने लिखी, बोले हाँ रामानंद सागर ने। बाबा तो हमें ये चाहिए कि पेरेंट्स की भी एक रोल है, उनकी भूमिका है कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा साहित्य उपलब्ध करवाएं। वो केवल हमारे खुद हम निर्णय लेंगे जब भी होगा जी। आपने बाल साहित्य भी लिखा है। बाल साहित्य लिखना मैंने जैसे बताया बहुत ही कठिन विषय, मैं जब कविताएं लिखता हूँ तो मेरा बेटा बोलता मजा नहीं आया, फिर उसको गा के सुनाऊंगा, एक्टिंग करके सुनाऊंगा थोड़ा सा, तो कुछ बात उसको पढ़ने पड़ती है, तो फिर मैं बोलता हूँ अच्छा तू सुना। तो मुझे ये लगता है क्योंकि मैं नवसाक्षर वाला हूँ, मैं व्याख्या ज्यादा नहीं करता। मेरी श्रीमती जो है वो भी हिंदी ऑनर्स किया है, और कमाल की बात है कि उसकी भी 3-4 किताबें छपी हैं, बताती नहीं किसी को। जी जी जी। वाणी प्रकाशन से उसकी किताबें छपी हैं और नवसाक्षरों के लिए उसने भी लिखा है। तो मैं कहता हूँ कि एक शर्त पे तुम्हारी मैं एडिटिंग कर दूंगा कहानियों की, कि तुम बढ़िया तो बढ़िया बढ़िया अदरक वाली चाय पिलाऊंगी। अच्छा अदरक वाली चाय पसंद है, ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छा बनाती है, खाने पीने की बहुत अच्छी चीज बनाती है, और जितनी अच्छी खाने पीने की चीज बनाती है उतनी तसल्ली से डांटती भी है। तो जब जब डांटती है तो वो नत्थु बन जाना चाहिए, और वही लेखक बड़ा सुखी रहता है जो नत्थु बना रहता है ना। इसलिए घर में नत्थु, बाहर आप कुछ भी हो। और आपको बताऊं कि आज ये जो जैकेट पहनी है इसका श्री गणेश की पहली बार हुआ। आपसे बहुत आत्मीय माहौल में बातें हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी, आपने समय निकाला, मुझे बड़ा अच्छा लगा।